वेलकम टू वॉरियर अकेडमी। आज डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक न्यूज़पेपर में बड़ी ही करंट की न्यूज चल रही है लिथियम को लेके कि आखिर लिथियम है क्या, और इसमें जम्मू कश्मीर का बड़ा हम रोल देख रहे हैं कि लिथियम को लेके बार बार न्यूज़पेपर में जम्मू कश्मीर का नेम चल रहा है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो लिथियम है क्या और लिथियम के बारे में अभी जम्मू कश्मीर करंट में क्यों चल रहा है, यानी कि लिथियम को लेके जम्मू कश्मीर करंट में क्यों चल रहा है। बच्चों अगर हम प्राचीन काल से ही बात करें तो प्राचीन काल से ही जो धातु होती है मेटल होती है, मेटल को लेके अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशन में खोजें होती रही है। और इसी टाइप से बच्चों बहुत सी धातुएं हमें मिली, जिस प्रकार गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, या फिर प्लूटोनियम मिला, यूरेनियम मिला, या फिर कार्बन मिला, इस टाइप की बहुत सी धातुएं हमें मिली और उन्हीं में से एक धातु है बच्चों लिथियम। अब लिथियम धातु की बात की जाए तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चों तीसरे नंबर की धातु है और इसको सबसे हल्की धातु होने का भी गौरव प्राप्त है, यानी कि लिथियम हल्की धातु होती है। दूसरा बच्चों जिस प्रकार अगर हम बात करें कि हर एक व्यक्ति को, जिस प्रकार आपका बॉडी है आपका शरीर है तो आपके शरीर को भी ऊर्जा चाहिए, यानी कि अगर आप खाना पीना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, कुछ समय बाद आपका शरीर काम करना छोड़ देगा। इसी टाइप से बच्चों हर एक जीव जंतु या जो इलेक्ट्रिक वस्तुएं बन रही है, इलेक्ट्रिक चीजें जो बन रही है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक कार है, मोबाइल है, टीवी है, कैमरा है, इन सब में एक बैटरी लगी होती है और इन सब का रोल किससे है, ऊर्जा से रिलेटेड है। यानी कि ऊर्जा के बिना ना तो मनुष्य का जीवन चल सकता, ना जानवरों का जीवन चल सकता और ना ही हमारी रोजमर्रा की जो डेली रूटीन की चीजें हैं इलेक्ट्रिक चीजें वो चल सकती है। जिस प्रकार बच्चों अगर हम बात करें कि आप सुबह घर से निकलते हो तो घर से निकलते टाइम आप जब भी ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो कॉलेज जाते हो तो घर से निकलते टाइम आप एक चीज को जरूर चेक करते हो और वो चेक होती है कि मोबाइल की बैटरी कितने परसेंट है, यानी कि मोबाइल में आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज है या नहीं। और बच्चों जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है या बैटरी की ऊर्जा को देखा जा रहा है तो आखिर ये बैटरी है क्या और ये बैटरी रिचार्जेबल कैसे होती है और इसमें बैटरी का और लिथियम का क्या कनेक्शन है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं लिथियम की, यानी कि जो ये बैटरी बन रही है आपकी, जो मोबाइल की बैटरी है, कार की बैटरी है, या जितनी भी स्टोरेज ऊर्जा, यानी कि जिस बिजली को हम किसी चीज में स्टोर कर सके उसको हम बैटरी बोलते हैं, और उस स्टोर की हुई ऊर्जा से या स्टोर की हुई बिजली से हम बाद में काम कर सकते हैं और फिर दोबारा से उसमें बिजली स्टोर की जा सकती है। तो बच्चों इसमें लिथियम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और लिथियम से ही बैटरी बनाई जाती है। अब बच्चों आती है लिथियम धातु कि जम्मू कश्मीर का लिथियम से क्या कनेक्शन है। बच्चों वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम का प्रोडक्शन करता है चिली, यानी कि चिली कंट्री जो है वो लिथियम का सबसे बड़ा उपयोग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। लेकिन बच्चों चिली के बाद अलग अलग कंट्री का स्थान आता है, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है, या फिर चाइना आता है। और भारत की बात करें तो भारत बच्चों अपनी जरूरतों का 80% लिथियम चाइना से इंपोर्ट करवाता है। अब 80% लिथियम बच्चों हम चाइना से लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल प्रोग्राम चल रहा है या ग्रीन ऊर्जा की बात चल रही है, यानी कि हरित ऊर्जा की बात चल रही है, उसमें जब हम जो डिवाइस यूज करते हैं, जिस प्रकार जो बैटरी यूज की जा रही है इलेक्ट्रिक कारों के लिए, इलेक्ट्रिक बसों के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो बच्चों इन बैटरियों के लिए जो लिथियम इंपोर्ट करवाया जाता है चाइना से, उस एक टन लिथियम की कीमत होती है करीब करीब 57,36,119 रुपये। अब बच्चों 57,36,119 रुपीज एक टन लिथियम की कीमत है। और बच्चों अगर एक टन लिथियम की कीमत है तो भारत को हर साल बहुत से टन में लिथियम को इंपोर्ट करवाना पड़ता। और अब बच्चों जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है तो वो भंडार कहा जाता है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट भंडार मिला है, यानी कि चिली के बाद अगर किसी कंट्री के पास सबसे बड़ी मात्रा में लिथियम है तो वो भारत के पास है। अब बच्चों इसका भंडार कितना मिला है, तो बच्चों 59 लाख टन
59 लाख टन का भंडार, लिथियम का भंडार हमें जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त हुआ है। और बच्चों अगर ये 59 लाख टन इसको हम 57,36,119 रुपीज से मल्टीप्लाई करें तो ये करीब करीब 3,384 लाख अरब रुपए बनता है। अब बच्चों इतना बड़ा अमाउंट आप सोच के देखो कि इतना बड़ा अमाउंट जो हम ले रहे हैं इतनी पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है, और अगर इतना बड़ा अमाउंट का भंडार हमें मिला है तो इससे फाइनल है बच्चों कि जम्मू कश्मीर राज्य की तकदीर अब बदलने वाली है। बच्चों ये 59 लाख टन का जो भंडार है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट भंडार है, और दूसरा इसका सर्वे किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी कि जो हमारी रिसर्च एजेंसी होती है उसने सर्वे किया लिथियम का, और उसने बताया कि ये लिथियम जो भारत में मिला है ये उच्च कोटि का लिथियम है। अब बच्चों बात आती है इससे आगे कि भाई लिथियम का पहली बार यूज कब हुआ। तो बच्चों पहली बार स्टीमर विटनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिथियम का पहली बार बैटरी के रूप में 1976 में यूज किया। एक्चुअल में बच्चों ये वो समय था जब खाड़ी देशों ने तेल के प्राइस को बहुत ज्यादा हाइक बढ़ा दिया था, और जब खाड़ी देशों ने तेल के प्राइस को बढ़ाया बच्चों तो सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने या फिर अदर कंट्रियों के सामने आई ऊर्जा की जरूरतों को लेके, और ऊर्जा की जरूरतों को लेके जब ये प्रॉब्लम आई तो भाई दूसरे रिसोर्सिस की तरफ ध्यान जाना ऑटोमेटिकली जरूरी था कि भाई हम तेल के ऊपर से जरूरतों को कम करके किस ओर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों इसी क्रम में विटनर महोदय ने एक बैटरी बनाई, लेकिन बच्चों ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं थी इतनी, यानी कि एक बार यूज करने के बाद ये बैटरी काम में नहीं आती। लेकिन बच्चों योजना आगे बढ़ी, प्लान आगे बढ़ता रहा और फिर रिसर्च आगे चलते रहे, और एक जापान के वैज्ञानिक जिनका नेम है अकीरा येसिनो ने बच्चों 1985 में पहली बार रिचार्जेबल बैटरी बनाई। अब रिचार्जेबल बैटरी का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस बैटरी को बार बार चार्ज किया जा सके। और यहीं से बच्चों ग्रीन एनर्जी या फिर जो हम बिजली उत्पादन को लेके या फिर जिसको हम बोलते हैं कि जो कारों में मोबाइल में या फिर जो इलेक्ट्रिक उत्पादों में तारों का झंझट जो था, यानी कि तार के द्वारा वायर के द्वारा बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था, अब उसका झंझट खत्म हो गया। अब बच्चों जो गाड़ियां होती वो भी बैटरी पे चलने लगी, और गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए जो पहले रस्सी वगैरह का यूज किया जाता था, इनके इंजन को घुमा के स्टार्ट करना पड़ता था, अब उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का यूज किया जाने लगा। अब बच्चों बैटरी आ गई, और बैटरी आने से एक नई उम्मीद जगी। वो नई उम्मीद ये थी कि भाई हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह बैटरी के ऊपर गाड़ियों को चला सकते हैं, यानी कि जो कोयला पेट्रोलियम ये जो है ये कार्बन के सोर्सेस है और जिनसे वायु प्रदूषण होता है। तो बच्चों वायु प्रदूषण होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई इससे लोगों को बीमारियां होती है। अब बच्चों जब लोग बीमारियों की चपेट में आते हैं तो इससे हमारी सरकार का हेल्थ के ऊपर बजट बहुत बढ़ जाता है। तो बच्चों दूसरा हमारी गवर्नमेंट ने ये बात कही है यूएन के प्रावधानों के तहत कि 2030 तक हम जो कार्बन के उत्सर्जन में है वो बहुत बड़ी कमी करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 30% तक व्हीकल यानी कि जो कारें होती है उनको हम पूरी तरह लाइट पे डिपेंड कर देंगे, यानी कि बैटरी से चलने वाली बना देंगे। इसी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि 70% दुपहिया वाहन यानी कि जो बाइक होती है, स्कूटर होता है, मोटरसाइकिल होती है, इसको हम पूरी तरह बिजली से चला देंगे, और इसी के साथ साथ 40% प्लस कॉमर्शियल व्हीकल को भी हम बैटरी से चलने के लिए बनाएंगे। जिससे क्या होगा बच्चों, पेट्रोलियम या फिर जिस एनर्जी को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते उसके ऊपर हमारा जो निर्भरता है वो कम हो जाएगा, और हमारी निर्भरता पूरी तरह जो एनर्जी की जरूरतें हैं वो पूरी तरह हम किससे कवर कर पाएंगे, लिथियम से कवर कर पाएंगे। अब बच्चों लिथियम की बात करते हैं हम कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कितने टन का है, और अगर सबसे बड़े भंडार की बात की जाए बच्चों
तो ये सबसे बड़ा भंडार चिली नामक कंट्री में है, और चिली की बात की जाए तो यहाँ पे 92 लाख टन यहाँ पे हमें लिथियम का भंडार मिलता है। इसी के साथ साथ बच्चों अगला नंबर ऑस्ट्रेलिया का आता है, लेकिन अभी इस लाइन में अगला नंबर भारत का आ गया, यानी कि सेकंड नंबर पे इंडिया है जिसके पास 59 लाख टन का भंडार है। अब बच्चों ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर से खिसक के चला गया तीसरे नंबर पे, जिसके पास 57 लाख टन का भंडार है, और इसके बाद बच्चों अर्जेंटीना यानी कि 22 लाख टन, और इसके बाद फिर से चीन 15 लाख टन, और उसके बाद यूएसए 7.5 लाख टन का भंडार ये कंट्री लिथियम का रखती है। बच्चों हमारी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ऊर्जा पे डिपेंड कर रही है, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोलियम पे हमारी निर्भरता कम हो, जिससे हमें खाड़ी देशों पे निर्भर कम रहना पड़े। और दूसरा, अभी जब हम बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की बात करते हैं या बैटरी से चलने वाले व्हीकल की बात करते हैं, तो बच्चों इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, और कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम 80% लिथियम यानी कि जो हमारी जरूरतें होती है उसका 80% लिथियम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, और चाइना से जब 80% लिथियम इंपोर्ट करवाते हैं बच्चे, तो इंपोर्ट करने वाली यानी कि एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री अपने मन मर्जी का रेट हमसे लिथियम का लेती है। अब बच्चों वहां से हमने लिथियम इंपोर्ट करवाया और उसके बाद उसको बैटरी के रूप में यूज किया या फिर गाड़ी व्हीकल के रूप में यूज किया, तो बच्चों इससे व्हीकल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जिन सामान को हम मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिस प्रकार मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिक सामान हो गया, जिसमें बैटरी चलती है, कैमरा हो गया, या जो भी सामान आप रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो उनमें बैटरी यूज होती है, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बच्चों भारत में ही लिथियम मिल गया तो इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा कि हमें चाइना को अब क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था उसको हम रोक देंगे और हम भारत का ही लिथियम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में जो सामान बन रहा है, मोबाइल की बैटरी या कार की बैटरी या फिर जो भी बैटरी उत्पाद यूज हो रहे हैं, उनका प्राइस डाउन हो जाएगा, और आम लोग जिनकी जरूरतों की चीजें हैं, जिस प्रकार कार, बाइक या मोबाइल, वो अपने रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्री को भी नई उड़ान मिलेगी। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिथियम जो है हमें जम्मू कश्मीर राज्य में मिला है, और जम्मू कश्मीर राज्य आतंकवाद प्रभावित राज्य है, यानी कि वहां पे टेररिज्म का बड़ा इफेक्ट रहता है, जिस प्रकार लश्कर ए तैयबा, तहरीक ए तालिबान, इस टाइप के ग्रुप वहां पे काम करते हैं। तो बच्चों जब जम्मू कश्मीर राज्य में ये ग्रुप काम करते हैं तो वहां पे इंडस्ट्री लगाना और इंडस्ट्री को रन करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा बच्चों, जब वहां पे बड़ा भंडार मिल गया तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की लाइफ लाइन ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब भाई वहां पे इंडस्ट्री आ जाएगी तो उन्हें रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो जो लोग डेवलपमेंट में पिछड़े हुए थे उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और इससे क्या होगा बच्चों, इससे जम्मू कश्मीर राज्य की खुशहाली, जिसको हम हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, खुशहाली बढ़ेगी, और खुशहाली बढ़ेगी तो बच्चों हमें टेररिज्म पे कंट्रोल करने में आसानी मिलेगी, यानी कि आतंकवाद को हम आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो बच्चों दूसरा, जो चाइना पे निर्भरता है उसको हम पूरी तरह कम कर देंगे, क्योंकि अभी जो हम चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हमें लॉस होता है। लॉस इसलिए होता है कि हमारा एक्सपोर्ट तो चाइना को कम होता है, लेकिन इंपोर्ट हमारा ज्यादा होता है। अब इंपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हम जो करेंसी में भुगतान करते हैं, डॉलर में चाइना को भुगतान करते हैं, तो उससे हमारा बजट घाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, और व्यापारिक घाटे को अगर हम लिथियम का इंपोर्ट चाइना से बंद कर देंगे तो व्यापारिक घाटे को कंट्रोल करने में हमें बड़ा योगदान मिलेगा, जिससे हमारा जो व्यापार संतुलन है वो सही हो जाएगा चाइना के साथ। तो बच्चों ये थी करंट की न्यूज जो कि लिथियम को लेके बनी हुई थी। तो लिथियम का आपको ध्यान रखना है कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार अब कहाँ पे मिला है, तो लिथियम का सबसे बड़ा भंडार हमें मिला है इंडिया के जम्मू कश्मीर में, और ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट भंडार हमारे पास अब लिथियम का है। जय हिंद, जय भारत।